हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तृतीय मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 1 जुलाई और आज है मंडे। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 6 बजे, क्योंकि बच्चे रात में लेट नाइट सोए, लगभग 1 बज गया था उनको सोने में। तो मेरी सुबह नींद जल्दी नहीं खुल पाई क्योंकि लेट हो गया था सोने के लिए। तो 6 बजे उठने के बाद मैंने 1 घंटे पढ़ाई वढ़ाई करी। आज है मंडे, मंडे को रहता है मेरा फास्ट। तो उसके बाद मैं नहा वहा के रेडी होके पूजा करने जाऊंगी। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन जल्दी उठना, किसी दिन लेट होना, क्योंकि बच्चे और फैमिली अगर साथ में है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप। हर दिन एक जैसे नहीं होता है। एक लड़की की लाइफ शादी के बाद बहुत ही चेंज हो जाती है, फिर माँ बनने के बाद तो और ही ज़्यादा। बच्चे फैमिली सबको देख, जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारी परिस्थितियाँ ही हमको सब कुछ करना सिखा देती हैं। जैसी स्थिति होती है अच्छा बुरा, लोगों का बिहेवियर ही हमको बदलता है और हमारी लाइफ को चेंज करता है। जैसी स्थिति होती है अपने आप को ढालना पड़ता है, फिर वैसे ही टाइम भी मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह था मेरा फास्ट और मैं अभी सुबह से थोड़ा सा चाय वाय बना के फिर पूजा करने जाऊंगी। आज दीदी को भी स्कूल भेजना था तो आज बोलेंगी, क्योंकि लेट नाइट उसने बहुत रात तक जगी। तो घर वाले बोले कि अभी मत भेजो आज से, क्योंकि रात में टाइम से नींद सोई है। तो सुबह उसका स्कूल रहता, लगभग उसको 7:30-8 बजे उठाना पड़ता है, तो बराबर नींद नहीं हो पाई थी तो नहीं भेजी। फिर उसके बाद मैं गई पूजा। मैं वीडियो डालूँ चाहे ना डालूँ, मेरा डेली का रूटीन है कि मैं आधा घंटा भगवान को आधा घंटे देती हूँ। और अपनी रोज़ डेली में मेरी पूजा होती है। सुबह में जितना टाइम होता है, मतलब मैं जो भी काम होता है उसको फिनिश करने के बाद मैं पूजा वगैरह करने जाती हूँ और भगवान को, फिर वो मेरा डेली का चलता रहता है। तो हम लड़कियों की लाइफ ऐसे ही है। और माँ बनने के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। मतलब टाइम की वैल्यू, अगर हम कुछ किसी भी काम को अगर 10 मिनट में कर सकते हैं तो उसको 1 घंटे आधे घंटे लग जाते हैं। बच्चों के साथ में मतलब थोड़ा सा काम करना, फिर बच्चों को देखना, तो अगर बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत ही मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों को फेस करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप जितना वीडियो एडिट करने में टाइम डालते हो उतना आप पढ़ने में लगा सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जिस टाइम में हम पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं या फिर खाना खिलाते हैं बच्चों को या फिर कुछ और काम करते हैं, उस टाइम में हम पढ़ाई नहीं कर सकते ना, बट हमारा कैमरा तो ऑन रहता है, फ़ोन अपना, कैमरा अपना, मतलब काम अपना करता रहता है। फिर मेरा वीडियो में इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते कि मुझे वीडियो एडिट करते इतना टाइम लगे। मेरा नॉर्मल वे पे वीडियो रहता है जिसको मुझे 15 से 20 मिनट में एडिट हो जाता है। वैसे भी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। फिर मुझे ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा टाइप का हो गया है। जैसे जैसे मैं 1 साल से लगभग यूट्यूब पे हूँ तो ये मेरी लाइफ का एक डेली रूटीन हो गया है कि जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें होती हैं वो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा कोई मेन पर्पस ये नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ पढ़ाई का ये वो, क्योंकि लोग भी बोलते हैं कि पढ़ने का वीडियो डालती हैं ये वो, फिर मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा मेन उद्देश्य नहीं है कि मैं ऐसे डालूँ, बट मेरा जो डेली का रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जो भी MPTET या फिर TET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 2-3 की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। अभी तो 60 डेज हैं अपने पास, क्योंकि अभी है 1 जुलाई और अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है फॉर्म अप्लाई करने का। तो अभी तो मान के चलें अपने हाथ में तो 60 डेज हैं ही, तो जितना भी टाइम मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी देखेंगे पेपर कब तक होता है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मन से करिए, जितना जिसको टाइम मिलता है। किसी की कोई भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बट ये कॉम्पिटिशन नहीं है कौन कितना पढ़ता है। जिसको जितना टाइम मिलता है अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए। और दीदी की भी बुक्स वगैरह आ गई हैं, सारा कुछ इसका सिलेबस मैंने देखा। तो अपने हिसाब से अपने टाइम अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जिसको जिसके घर में जितना काम रहता है, मतलब जितना टाइम आप अपने हिसाब से निकाल सको। कोई 5 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, वो मतलब मैटर नहीं करता है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करिए और बराबर जितना हो सके उतना अपना इसमें वेस्ट करने की कोशिश करिए। बाकी जो वो तो किस्मत के हाथ में है, वो तो कोई बदल नहीं सकता। जो होना होगा होगा, अपने से पीछे क्यों हटे मेहनत करने से। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। बाय बाय।